चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है नॉर्दर्न लाइट्स। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, ऑरोरा किस कारण होता है। विषय प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, नॉर्दर्न लाइट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, नॉर्दर्न लाइट्स को ऑरोरा बोरेलिस के रूप में भी जाना जाता है। कथन दो, यह धरती के गैस पार्टिकल्स और सूर्य के वातावरण में मौजूद पार्टिकल्स के बीच टकराव से पैदा होता है। उपरोक्त में असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने। यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में नॉर्दर्न लाइट्स अमेरिका के दक्षिण में स्थित इलिनॉइस और पेंसिल्वेनिया के उत्तरी भागों में दिखी है। नॉर्दर्न लाइट्स को ऑरोरा बोरेलिस के रूप में भी जाना जाता है। ऑरोरा यूनान की सुबह की देवी को कहते हैं और बोरियस यूनानी भाषा में उत्तरी हवाओं को कहते हैं। आमतौर पर नॉर्वे की ध्रुवीय क्षेत्रों या यूरोप के उच्च अक्षांश क्षेत्रों में यह परिघटना देखी जाती है। ऑरोरा किस कारण होता है? ये सौर वायु के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने की वजह से बनती है। यह धरती के गैस पार्टिकल और सूर्य के वातावरण में मौजूद पार्टिकल्स के बीच टकराव से पैदा होता है। रंगों में बदलाव आपस में टकराने वाली गैसों के प्रकार पर निर्भर करता है। इन प्राकृतिक रंगों में सबसे सामान्य रंग पीली आभायुक्त हरा रंग होता है, जो धरती से 60 मील ऊपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से पैदा होता है। नासा के मुताबिक रात के समय नॉर्दर्न लाइट्स में चमक की वजह असल में पृथ्वी और चांद के बीच चुंबकीय ऊर्जा के कारण होने वाला विस्फोट है। इस टकराव में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बाढ़ सी आकर आयनोस्फीयर्स यानी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की गैसों से टकराती है। इसी की वजह से हमें आसमान में ये बेहतरीन रोशनी दिखती है। धरती के उत्तरी भाग में नॉर्दर्न लाइट्स को अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से देखा जाता है। दक्षिण में इन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या साउथ लाइट्स कहा जाता है और अंटार्कटिका, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उच्च अक्षांश से दिखाई देते हैं। आमतौर पर यह ध्रुवीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, लेकिन कभी कभी यह रोशनी कम अक्षांशों पर दिखाई देती है। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प ए। आज की वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।